महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कर्नाटक के बेलगांव में प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के वाहनों की तोड़फोड़ की जा रही थी और ट्रक पर पथराव किया जा रहा था, जिसको लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कर्नाटक के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ना ले और अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो मुझे ही बेलगांव आना पड़ेगा। आगे कहा कि सीमा विवाद को लेकर सीएम शिंदे ने कर्नाटक के सीएम बोम्मई से भी बात की थी, इसके बावजूद उन्होंने इस मुद्दे पर कोई नरमी नहीं दिखाई है। कर्नाटक में इस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए शिंदे गुट के नेताओं ने कर्नाटक के नंबर प्लेट वाली बस पर जय महाराष्ट्र लिखकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले में अब मनसे ने भी एंट्री ले ली है। कर्नाटक के वाहनों को रोक रोक कर उस पर पेंट से जय महाराष्ट्र लिखा जा रहा है।